ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेकिन जो सिद्धार्थ ने कहा, मैक्सिमम ये एक इंटरिम रिलीफ है एंड लेट अस डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि कल को भीमा कोरेगांव वाले इस मामले में दोबारा किसी को भी अरेस्ट या टॉर्चर नहीं किया जाएगा। और इसीलिए जैसा कि भी कुछ साथियों ने हमको अनाउंस करने के लिए कहा, ये पहला अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आनंद तेलतुंबड़े के साथ साथ दूसरे जो 9 साथियों की भीमा कोरेगांव के मामले में गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ 5 तारीख को दोपहर के 2:30 बजे महाराष्ट्र भवन के सामने जितने भी लगने वाले आंदोलनकारी साथी है सबको एक मंच पर लाकर हम लोग प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, इसका आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा एक दो मुद्दे आपके बीच में रखना चाहूंगा साथियों। का आपने गुजरात में देखा होगा जिस आरक्षण की डिमांड को लेकर 2.5 साल हार्दिक पटेल ने प्रोटेस्ट किया उसी तर्ज पर मोदी जी ने गुजरात में देश में आरक्षण दिया, लेकिन गुजरात में पटेल समाज के 14 लोगों को मार दिया गया पुलिस के हाथ और उनके नेता हार्दिक पटेल के ऊपर राष्ट्रद्रोह का 2 बार मुकदमा लगता है। और फिर पटेल समाज जब बार बार रैलियां धरना करके प्रेशर बनाता है तो गुजरात की विजय रूपाणी सरकार की कैबिनेट हार्दिक के साथ टेबल पर बैठकर यह डिस्कस करती है कि यदि ये 1-2-3 डिमांड तुम मान लो तो राष्ट्रद्रोह वापस, यदि न मानो तो कंटिन्यू। ये इतना सिली और नॉनसेंसिकल बन गया है कि जिसको भी चाहे उसको राष्ट्रद्रोही बोलते हैं, एंटी नेशनल बोलते हैं और उनको जेलों में डाल देते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही भीमआरकेपी के साथी चंद्रशेखर की रिहाई हुई, आज हम लोग जानते हैं कि उनके खिलाफ एक भी पीस ऑफ एविडेंस नहीं मिला, लेकिन 13 महीना तो उनको जेल में रहना पड़ा ना। सिर्फ इसी मकसद से इन सारे साथियों को जेल में डाला गया है यूपीए नाम के काले कानून के तहत, ताकि ये जो वॉइस ऑफ डिसेंट है जो 15, 20, 25, 30, 35 सालों से इस मुल्क के किसान और मजदूर के लिए, दलित आदिवासी और माइनॉरिटीज के लिए हमारे संविधान का जो स्पिरिट है कि सचमुच हमें एक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक बने, इसके लिए जो लोग लड़ रहे, जिंदा है, संघर्ष कर रहे, इनको सिर्फ टारगेट करने की एक मंशा और मैली मुराद के चलते ही ये सारे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। मुझे कभी कभी ये सवाल होता है, आपके बीच में भी ये बात रखना चाहता हूं, जिनकी क्रेडिबिलिटी इम्पैकेबल है, ऐसे बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, एपेक्स कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पीबी सावल साहब ये खुलकर कह रहे हैं कि जिन यलगार परिषद को आपने माओवादियों के साथ लिंक किया उसके आयोजक ही हम लोग हैं। मतलब कि एक तरीके से वो खुद प्रोएक्टिवली सामने से चलकर ये कह रहे हैं कि उनमें जिन लोगों को मोबिलाइज किया ये दोनों जजिस ने किया, उनके लिए मोबिलाइजेशन के साथ साथ जिन लोगों को वक्ता के तौर पर उस मंच पर बिठाया इन दोनों जजिस ने बिठाया, उस पूरे इवेंट का प्लानिंग, डिजाइनिंग और एक्सीक्यूशन ये 2 इम्पेकेबल इंटेग्रिटी वाले जजिस ने किया है, तो उसके बीच में ये माओवादी कहां से आ गए? ये बिल्कुल ये कहानी को घड़ा गया है। अब सवाल ये होता है कि सुरेंद्र गाड़गिल या फरेडा या आनंद तेलतुंबड़े, इनके साथ पुणे की पुलिस या महाराष्ट्र की पुलिस को क्या लेना देना? इन साथियों ने पुणे और महाराष्ट्र की पुलिस का तो कोई बिगाड़ा नहीं, तो क्यों पुणे और महाराष्ट्र की पुलिस इनके खिलाफ ये फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है? दिस इज हैपनिंग, दिस प्लॉट ऑफ सो कॉल्ड अर्बन माओइस्ट अर्बन नक्सल इज अनलिस्ट बाई पुणे एंड महाराष्ट्र पुलिस ओनली एंड ओनली अपॉन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अर्बन मनु
जो हमारे सर के ऊपर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गुजरात में भी यही हुआ, जब हिंदुत्व की कॉम्युनल लहर क्लिक नहीं हो रही है, जब भी लगे कि मोदी जी स्टिकी विकेट पे है, कुर्सी हिलने लगी है, तब कोई सादिक जमाल, कोई समीर खान, कोई सोहराबुद्दीन, कोई तुलसीराम प्रजापति, कोई इशरत जहां मोदी जी को मारने के लिए आ रहा। ऐसी कहानियां घड़ी गई, यानी भीमा कोरेगांव के वक्त, रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के वक्त, ऊना के वक्त, सहारनपुर में घर जले उस वक्त, 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ उस वक्त, ये जो स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनिक स्वभावगत दलित एसर्शन हमने देखा, उसको कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए। डिसेंट रखने वाले, लड़ने वाले लोगों को ड्राकोनियन लॉ के तहत कुछ महीने और सालों के लिए फर्जी मुकदमों में कैसे जेल में डाला जाए, और उस पूरे प्रोसेस में बिना फिजूल के मोदी जी को सिंपैथी किसे मिले, सिर्फ इसी मकसद से ये हमारे अर्बन मनु ने, नरेंद्र मोदी द मॉडर्न डे मनु ने इस अर्बन नक्सल के पूरे प्लॉट को अनलिश किया है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, और इसीलिए मैं आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी और भीमा कोरेगांव में जिन भी साथियों की गिरफ्तारी हुई, इस मुद्दे के लेकर 2019 के चुनाव तक और 2019 के चुनाव के बाद पूरे इंडिया में घूमकर इस मुद्दे पर हम लोग पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करेंगे। दलित, आदिवासी और मुस्लिम साथियों के बीच में ये बात को बार बार दोहराएंगे, यदि मुसलमान सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है तो जैसे सुभाष ने कहा, उसको जिहादी या आतंकवादी बोल दो, यदि दलित और आदिवासी खड़ा होता है तो उसको नक्सलाइट और माओवादी बोल लो। इसी मकसद के चहल, उसी मकसद के चलते ये पूरी कॉन्स्पिरेसी को राज्य सत्ता ने अंजाम दिया है। इन एक्टिविस्टों ने मिलकर कोई अर्बन माओइस्ट वाला मोदी को मारने का प्लॉट नहीं बनाया, दिल्ली में बैठी हमारी सत्ता ने इस प्लॉट को अनलिश किया है। अभी जैसा कि साथी ग्रोवर ने अनाउंस किया, तेलतुंबड़े की रिहाई हो गई है, और कोर्ट ने यह भी माना कि यह अरेस्ट इलीगल था। अब आप देखिए, यदि सचमुच इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, तो देयर इज अ प्रोविजन अंडर द एट्रोसिटी एक्ट व्हिच सेज देयर कैन बी अ क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर्ड अंडर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट फॉर फाइलिंग अ फॉल्स एंड फ्रिवलस कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। यानी सचमुच रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे तो आनंद तेलतुंबड़े जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी फर्जी गिरफ्तारी करने पर पुणे और महाराष्ट्र की पुलिस के खिलाफ एट्रोसिटी की एक स्पेसिफिक धारा के तहत ऑफेंस दर्ज हो सकता है, लेकिन यह नहीं होगा। आखिर में सिर्फ इतना कहकर मेरी बात को कहूंगा, भीमा कोरेगांव के हमारे सारे साथी जो अकेडमिशियन है, इंटेलेक्चुअल्स है, लिखने और लड़ने वाले लोग हैं, वो नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, विदाउट एनाइलेशन ऑफ कास्ट न्यू इंडिया कांट बी क्रिएटेड, एंड विदाउट आनंद तेलतुंबड़े कास्ट कैन नॉट बी एनिहिलेटेड। थैंक यू सो मच। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।